Hi guys, welcome to Ops Garage. Today behind me is the Hero Xpulse 200 4V. So, आज मैं आया हूँ राजा हीरो. अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट चेक करना है, आप यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हो. Now let's start with the video. तो guys, मेरे सामने बिल्कुल है Hero Xpulse 200 4V. So, सबसे पहले मैं आपको एक इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ. तो बाइक कुछ ऐसा दिखता है, as you guys can see, बहुत ही सही दिखता है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाइक इतना अच्छा दिखने वाला है. सो ये है कुछ इसका लुक. एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से. ऊपर आपको ये विंडशील्ड जाता है, तो ये फाइबर है. इसके नीचे आपको ये जो हेडलाइट है ना हीरो की तरफ से, ये पहले जो था हेडलाइट ये इतना पावरफुल नहीं था, बट अब जो है ये हेडलाइट थोड़ा पावरफुल इसको बना दिया गया है. तो मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ. तो गाइज, ये आपका लो बीम है एंड नीचे वाले ये आपका हाई बीम है. एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा है ये हेडलाइट. मैं इसको बंद कर दूंगा बाइक को. तो ये मैंने बंद कर दिया. तो जैसे कि आपने देख लिया, ये फुल LED हेडलाइट है, हीरो यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड ये जो दो है ये इसका DRL है. एंड साइड में हम लोग आ जाते तो ये हेलोजन में आपको इंडिकेटर मिल जाता है दोनों. एंड नीचे की तरफ ये आपको दिख रहा होगा इस बाइक का सस्पेंशन. एंड यहाँ पे आपको ये गार्ड भी देके रखा है, ताकि आप जब मड वगैरह में बाइक को लेकर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला. यहाँ पे गार्ड देके रखा है. एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रंट का ये फेंडर. एंड फ्रंट के मड गार्ड में आपको ऐसा स्टिकरिंग दिख जाएगा जो कि काफी सही दिखता है. तो काफी ऐसा ऑफ रोडिंग सा दिखता है. ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है इस बाइक को. एंड आप रोड में भी चला सकते हो, बट ये काफी ज्यादा सही दिखता है. एंड आपको सस्पेंशन का ट्रेवल भी दिख रहा होगा. यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं. यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये जो व्हील मिलता है, ये 21 इंचेस का ये व्हील है. यहाँ पे 1990x21 वहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये ग्रिप भी आपको दिख रहा होगा, काफी सही ग्रिप है. एंड वन गुड पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज यहाँ पे आपको ये स्पोक्स मिल जाते हैं, तो ये काफी सही दिखने वाला है. एंड यहाँ पे हम लोग आ जाए डिस्क की तरफ. ये 275mm का आपको डिस्क मिल जाता है. ये पेटल डिस्क है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पावर जो है ना वो भी काफी अच्छा रहने वाला है. एंड ABS के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, विद सिंगल चैनल ABS आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो ये है कुछ यहाँ का फ्रंट. एंड ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक में देके रखा है, तो काफी अच्छा दिखता है वो. साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड. एंड हम लोग अभी यहाँ पे आ जाते हैं. तो ये जो इंजन है 200cc का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18.8 bhp एंड 17.35 nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है. 4-valve इंजन है एंड ये लिक्विड कूल्ड है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रिल. सो हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है. मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ ये हॉर्न. तो हॉर्न भी काफी ज्यादा लाउड है. यहाँ पे साइड का गार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है. एंड ये आपको दिख रहा होगा कैथेटिक कन्वर्टर. एंड नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो बैश प्लेट है ना, काफी ज्यादा रगेड है एंड ये मेटल का है. सो ऑफ रोडिंग में जाओगे ना आप अगर, तो कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं होने वाला. ये एकदम रगेड दिख रहा है, एज यू गैस कैन सी, रियली नाइस. एंड यहाँ पे हम लोग एक चीज के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ. ये जो है ना, ये आपको ऑफ रोडिंग के हिसाब से देके रखा है. अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा दू इधर का, एक सेकेंड, तो ये आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे आप अपना पैर आराम से रख सकते हो. ऑफ रोडिंग में जाओ, कीचड़ वीचड़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है. तो ये काफी अच्छा है यहाँ पे हीरो के तरफ से. एंड अगर हम लोग यहाँ पे ये फुट पेडल्स की बात करते हैं ना, तो ये आपको ऊपर रबर दिख जाएगा. काफी बाइक्स में क्या रहता है कि सिर्फ ये दिया रहता है, एंड इसके वजह से ना आपका जूता कभी कभी इसमें अटक जाता है. एंड इसको आप निकाल भी सकते हो. तो ये मैं आपको थोड़ा निकाल के भी दिखा देता हूँ. सो यस गाइज, दिस इज हाउ यू हैव टू रिमूव इट. ये ऐसे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसको वापस से भी यहाँ पे फिटिंग कर सकते हो ऐसे. तो ये काफी सही लगा मेरे को. एंड यहाँ पे किक स्टार्ट भी देके रखा है. कभी अगर आपका ये बैटरी डेड हो जाता है तो आप यहाँ पे किक स्टार्ट भी इसको लगा सकते हो. एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोग्राम्ड FI. एंड यहाँ पे 4-valve का ये स्टिकरिंग देके रखा है. एंड ये जो फ्यूल टैंक है ना, काफी सही दिखता है. इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स का है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है. एक्सपल्स 200 यहाँ पे देके रखा है. सो ये रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखता है. एक ब्लू व्हाइट में आता है एंड एक ब्लू ब्लैक में आता है. तो ये तीन कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो काफी अच्छा दिखता है बाइक मेरे हिसाब से. मैं तो मतलब हीरो के बाइक्स मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, काफी सिंपलिस्टिक रहता है. मतलब एवरीडे जो कस्टमर्स रहते हैं ना, जो डेली अपने बाइक्स को यूज करते हैं, उनके लिए रहता था मेरे हिसाब से ऐसा था. बट हीरो हैज टोटली चेंज माय माइंड. काफी सही दिख रही है ये बाइक, ट्रस्ट मी. एंड यहाँ पे हीरो यहाँ पे देके रखा है. यहाँ पे भी हीरो का स्टिकरिंग है. एंड
अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट के तरफ। तो एग्जॉस्ट जो है ना ये ऊपर करके रखा है, तो वाटर वेडिंग जो है ना आप आराम से इस बाइक को लेके जा सकते हो, पानी वाले एरिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, पानी एग्जॉस्ट को एंटर नहीं करेगा। एंड यहाँ पे ऊपर भी आपको गार्ड देकर रखा है जो कि प्लास्टिक का है, तो आपको ये एग्जॉस्ट से आपको चटका वगैरह नहीं लगने वाला, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का फुट पैक ऐसा है, रबर का जो क्वालिटी है ना दैट इज रियली गुड, आई वुड से काफी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे का जो डिस्क है ये 220mm का है, बट आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, सो ये सिर्फ सामने के लिए है। पीछे का ये जो स्विंग आर्म है कुछ ऐसा है एज यू गाइस कैन सी। एंड टायर का जो प्रोफाइल है पीछे का 120/80x18 inches का पीछे वाला रियर प्रोफाइल का टायर है। एंड पीछे का जो टायर है ना आपको देख रहा होगा ये इसका विड्थ काफी ज्यादा मतलब वाइड है, उतना भी ज्यादा नहीं है बट ऑफ रोडिंग के लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ग्रिप वगैरह आप देख सकते हो, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, सो दैट इज रियली गुड। मेरे को ये वाले व्हील्स बहुत पसंद आते हैं, आई फील ऑफ रोडिंग बाइक्स में ना आपको ऐसे ही व्हील मिलने चाहिए, स्पोक व्हील्स, तो वो काफी अच्छा रहने वाला है। एंड ये डिस्क आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पेडल डिस्क मिलता है, सो दैट इज रियली गुड। अभी इसके पीछे आ जाते हैं हम लोग, तो ये है बाइक का रियर टेल लाइट, तो दिस इज माई पर्सनल फेवरेट आई टेल यू, ये मुझे इतना सही दिखता है ना, मैं आपको एक बार जला के भी दिखा देता हूँ। सो एज यू गाइस कैन सी पूरा LED यूनिट है, काफी सही दिखता है, काफी स्लीक दिखता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ मैं। दो इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है, ये हैलोजन यूनिट है, गिरो का स्टिकरिंग यहाँ पे देख के रखा है एज यू गाइस कैन सी। एंड वन गुड पार्ट इज आप अगर इस बाइक में ना काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो इस बाइक में, यहाँ पे आप रैली पैक भी लगा सकते हो जो कि काफी एग्रेसिव दिखने वाला है इस बाइक में। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ये जो है ना ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप ये नीचे वाले पोर्शन से डिटैच कर सकते हो, तो ये आपको काफी ऐसा स्पोर्टी वाला लुक देने वाला है एंड काफी ऑफ रोडिंग वाला लुक देने वाला है। सो ये मेरे को काफी सही लगा कि यहाँ पे ये ऑप्शन दे के रखा है। नंबर प्लेट के लिए लाइट यहाँ पे है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हो, रिफ्लेक्टर यहाँ पे दे के रखा है। एंड ये पीछे का मडगार्ड है, इधर आपको साड़ी गार्ड दे के रखा है विच इज रियली गुड, एंड आप इसको निकाल भी सकते हो। पीछे आपको यहाँ पे मोनोशॉक मिल जाता है, सो ये भी काफी अच्छा है। एंड आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर में फिनिश है, सो दैट इज रियली गुड एज वेल। पीछे यहाँ पे आपको कोई चेन गार्ड नहीं मिलता, ये नॉर्मल आपको, तो ये आपको एवरी 500-600 किलोमीटर ये आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये फुट पैक मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे जो आपको गियर बॉक्स मिलता है ये आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, सो ऑफ रोडिंग वगैरह में अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे साइड स्टैंड विद कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये है बाइक का कुछ लुक। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस साइड आपको ये जो मिलता है स्विचेस वगैरह, पासिंग लाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपका पासिंग लाइट मिल जाता है, वो आपको थ्रो दिख रहा होगा इवन इन डे लाइट कंडीशन, द थ्रो ऑफ द लाइट इज रियली गुड। यहाँ पे हाई बीम एंड लो बीम, टर्न इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपका हॉर्न के लिए है। अभी हम लोग स्पीडोमीटर की तरफ आ जाता ना, यहाँ पे आपको एक तो दिख रहा होगा ऊपर जो भी वार्निंग लाइट्स वगैरह सब आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे साइड स्टैंड का वार्निंग, न्यूट्रल, ABS एंड इंजन चेक लाइट का वहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आपका RPM है, गियर इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, टाइम, स्पीडोमीटर यहाँ पे, ये आपका किलोमीटर जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। एंड यहाँ पे आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है, तो टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, वो सब आपको इधर दिख जाएगा, तो उसका कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये दिख रहा होगा आपको पेयरिंग, ब्लूटूथ एंड इको मोड आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो ये मेरे को काफी पसंद आया कि यार छोटा सा है बट दिस इज रियली नाइस एंड रियली मतलब इन्फॉर्मेटिव, ये आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा है। ये हैंडल के इस साइड आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको किल स्विच भी मिल जाता है, तो ये पूरा एक ही साथ मिलता है। एंड यहाँ पे एक और चीज है, ये आपको नकल गार्ड मिलता है एंड हीरो का ब्रांडिंग भी यहाँ पे देख के रखा है एज यू गाइस कैन सी, सो इट लुक्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी। इस साइड भी आपको मिल जाता है। तो गाइज आपको एक और चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सीट कैसा है, तो यहाँ से नीचे से मैं ऊपर लेके आया था बाइक, तो ये सीट का जो कंफर्ट है ना काफी ज्यादा अच्छा है। एंड ये 825mm का आपको सीट मिल जाता है, नीचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 220mm का आपको मिल जाता है, सो ये मेरे को काफी पसंद आया। सीट काफी लंबा भी है एंड द कुशनिंग इज रियली गुड। टैंक के लिए यहाँ पे पैड देके रखा है, तो ये भी काफी अच्छा रहने वाला है। फ्यूल लिड आपको यहाँ पे मिल जाता है, सो ये सब मेरे को काफी सही लगा। मिरर का विजिबिलिटी भी काफी अच्छा रहने वाला है एज यू गाइस कैन सी। एंड पीछे ना यहाँ पे ये लगेज कैरियर भी आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हैंडल भी देके रखा है पीछे विच इज रियली स्टोडी, ये आपको दिख रहा होगा। सो मेरे हिसाब से बाइक बहुत सही लगा मेरे को। मैं आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ।
सो गाइज ये था इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। अभी मैं आपको एक बार इस बाइक में बैठ के दिखा देता हूँ। माय हाइट इज 5'8", मुझे इस बाइक में बैठने को कितना क्या रहता है, मेरा पैर कहाँ तक पहुँचता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जाओगे इस बाइक को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा सही है, टू बी रियली ऑनेस्ट।